दोस्तों, जीवन बचाओ जल्दी बीमारी से, नहीं तो बीमारी होगी सब पैसा जो है वो बीमारी में लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को अभी इसी वक्त शुरू करते हैं कि आप लोगों की जिंदगी जो है वो खुशी से हर समय बीते। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, डांड में दर्द क्यों होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोग के पास में मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ज़्यादा ठंडा सामान खाने से डांड में दर्द हो जाता है, इसीलिए गर्म सामान जो है वो ठंडी के मौसम में जरूर खाना चाहिए। ऐसे करने से डांड का दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। सवाल नंबर 2, डांड का दर्द कैसे तुरंत ठीक करें? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोगों के पास तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है सुबह शाम लहसुन का चटनी खाने से डांड का दर्द ठीक हो जाता है 1 से 2 दिन में। अगर आप लोगों को ज़्यादा ठंडी हो गई है तो लहसुन और तेल का मालिश डांड में जरूर करवाइएगा। सवाल नंबर 3, पेचिस की बीमारी क्यों होता है हम लोगों के पेट में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेचिस की बीमारी अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण पेचिस की बीमारी पेट में होती है, तो तरह तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है लकवा फालिस की। इसीलिए दोस्तों, सब्जी में लहसुन डाल करके जरूर खाएं और अच्छा खाना जो है वो जरूर खाना चाहिए। सवाल नंबर 4, बार पेशाब क्यों लगता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोगों के पास तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है खराब खराब खाना खाने से पेट में गैस बनता है, पेट में गैस बनने के कारण बार बार पेशाब लगता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ कर मैं यही कहूँगा कि अच्छा से अच्छा भोजन जो है वही कीजिए कि बीमारी कभी ना हो। सवाल नंबर 5, आदमी कमजोर क्यों हो जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई कि ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट में गैस बनने के कारण आदमी जो है वो कमजोर हो जाता है, और अच्छा खाना जब नहीं मिलता है तब भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए पेट में गैस बनने लगता है अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण। इसीलिए दोस्तों, अच्छा से अच्छा भोजन जरूर कीजिएगा, जहाँ भी रहें बने रहें। थैंक यू दोस्तों।